अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग करते हैं शुरू। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले हर वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। तो जी, बिस्तर रात का किसी ने नहीं उठाया, इधर का इधर ही पड़ा हुआ है। ये मेरे पीछे देख सकते हैं आप, अगर आप देख सकते हैं। घर वालों को मैंने बोला था कि भाई उठा दें, क्योंकि मैंने तो जाना ड्यूटी पर, तो आप इसको उठा के अंदर रख दें, लेकिन किसी ने भी नहीं रखा। तो वाईफाई के सिग्नल भी अच्छे नहीं थे आ रहे कल से लेके आज तक, दो दिन बहुत तंग किया उसने। लेकिन लड़के को बोला कि भाई या तो मॉडम ने लगा के जाओ तो, या फिर हम इसका बिल आपको नहीं देंगे। तो उसने ऐसा किया कि नया मॉडम लगा के चला गया। वो मॉडम आपको दिखाते हैं, ये हमारे घर के सामने लगा हुआ है। तो अभी उसके वाईफाई के सिग्नल जो है ना अच्छे आ रहे हैं, ठीक है। तो दो दिन बहुत ही मुश्किल से गुजरे हैं। नेट पैकेज लगाया था, लेकिन बाहर जब जाते थे तब भी आन, लेकिन घर में तो वाईफाई लगी हुई है। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ, सामने लगा हुआ है। अगर आप देखें तो ये सामने, ये पहले से लगाया हुआ था दूसरा, लेकिन अब ये लगाया, लेकिन इसकी सर्विस अच्छी है पहले से। आदमी को बोला था कि भाई हमने डिश वगैरह भी लगवानी है, तो वो डिश भी लगवाई कल की, दो डिशें लगवाई हैं। क्योंकि एक पे तो अब देखते हैं खबरें वगैरह, तो मैंने तो जस्ट देखना होता है, तो स्पोर्ट्स देखना होता है, लेकिन वो भी मैं मोबाइल पे यूज़ कर लेता हूँ। कभी मैच वगैरह देखना हो मोबाइल पे देख लेते हैं, क्योंकि अब ज़्यादातर खबरें अब देखते हैं, तो हमें तो इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े भी तो मोबाइल पर ही सारा कुछ कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो वो दो पहले एक लगवाई थी, लेकिन उस पर न्यूज़ के चैनल इतने ज़्यादा नहीं थे आते, तो फिर कहने लगे कि भाई हमें, वो कहते हैं दूसरी भी लगवाएं ताकि जो है ना चैनल सारे आएँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ, पहली जो हमने लगवाई थी वो ये थी, पहले जो लगवाई थी वो ये थी। तो ये हमने लगाई थी एक, तो इसके सिग्नल जो है ना वो अच्छे नहीं थे आते। ये मेरे पीछे देख सकते हैं, ये घर किसी ने साफ़ कर दिया, मतलब कि किसी ने ले लिया था। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये किसी ने ले लिया और साफ़ कर दिया। यहाँ इतना कचरा पड़ा हुआ था कि आप सोच नहीं सकते, लेकिन अब काफ़ी बेहतर हो गया इससे। तो सही है, किसी को लेना चाहिए, कोई रिहाइश करे या ना करे, लेकिन सफाई होनी चाहिए। तो दूसरी जो डिश थी वो हमने दूसरी साइड पर लगाई है अपने किचन के ऊपर, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैं अपनी सीढ़ी में बैठा हुआ हूँ, तो सीढ़ी हमारी जो है ना काफ़ी लंबी कह सकते हैं वो है। तो दूसरी डिश जो है वो ये साथ ही, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये दूसरी डिश लगाई हुई इधर, क्योंकि इसके ये दोनों लगेंगी तो ही न्यूज़ के चैनल आएंगे, वरना चैनल नहीं आएंगे। तो ये दूसरी लगाई थी, तकरीबन 10-12 हज़ार रुपये खर्चा आया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी बेहतर है, और रिजल्ट भी इसका अच्छा है, और चैनल भी सारे आते हैं। कभी कभी मैं कुकिंग भी कर लेता हूँ, जब कह लें कि घर में कोई बीमार हो तो फिर मैं कुकिंग कर लेता हूँ। कुकिंग का मैं आधा मास्टर हूँ। आज चावल बना रहे हैं चने वाले, मैं अगर आपको दिखाऊँ तो ये देखें, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। ये किचन का हाल है हमारा, बाहर निकालना था लेकिन बाहर नहीं निकाल पाए, तो चले मजबूरी का नाम शुक्रिया। तो बहुत गंदा हो गया हमारा किचन। तो आज की शेयरिंग यही थी, वीडियो यही पे ख़त्म करते हैं। तो अपनी बहुत सारी दुआओं में अपने भाई को दीजिए इजाज़त, और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मैं अब चावल बनाने लगा हूँ, तो चावल बनाने के बाद उसे खाएँगे, ख़त्म दिलाएँगे, तो बाद में लोग बच्चों के साथ बच्चों में तकसीम करेंगे। तो खुश रहें, सलामत रहें, अपने भाई को दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।